और वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईडी और एनआईए की छापेमार कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में उग्रवादी समूह से बात करते हैं, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को उग्रवादी बना दिया है। ईडी के छापेमार कार्रवाई, एनआईए के छापेमार कार्रवाई, लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। क्या आपने अपने लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया है, ये सवाल पूछा गया। आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंट से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है, इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने, ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे, क्या बने लोगों से अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो, वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की, उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहे। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की, मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत अमन चाहिए, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे, अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बफरियाज में किया